पचपौली पुलिस थाना अंतर्गत बाइक चोरी की घटना सामने आई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर दोपहिया वाहन कीमत 20,000 रुपए जब्त किया है। इस संदर्भ में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संजय मेंटे ने अधिक जानकारी साझा की। प्राप्त जानकारी के अनुसार फिरियादी संदीप खोगी ये अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे, जिस दौरान उन्होंने 10 नंबर पुलिया के पास अपनी दोपहिया गाड़ी पार्क करके रखी। दूसरे दिन जब वो वहाँ से लौटे तब उन्हें उनकी गाड़ी वहाँ नहीं दिखाई देने पर उन्होंने पचपौली पुलिस थाना अंतर्गत शिकायत दर्ज कराई। इस संबंध में वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक संजय मेंटे ने अधिक जानकारी साझा की। दिनांक 5 मार्च 2021 रोजी फिर्यादी नामे संदीप बबनराव घोगे वय 36 वर्षे हे 10 नंबर पुलियाजवळ ड्यूटीवर जाताना त्यांनी त्यांची 2-व्हीलर पार्क करून ते ड्यूटीवर गेले होते आणि दुसऱ्या दिवशी जेव्हा त्यांनी येऊन बघितलं तर त्यांची दुचाकी चोरीला गेली आहे असं त्यांना समजलं। त्यांनी पोलीस स्टेशनला वाहन चोरीची तक्रार दिली होती, त्याच्या अनुषंगाने आम्ही वाहन चोरीचा गुन्हा दाखल करून त्याचा तपास हेड कॉन्स्टेबल शत्रुघ्न यादव यांच्याकडे दिला होता। त्यांनी त्याचा उत्तम तपास करून सदर चोरीस गेलेले वाहन आरोपी नामे सुमित मुकेश गौर व 19 वर्षे राहणार सुशील बारापात्र यांच्या घरी किरायाने शोभा खेत पोस्टे 5 पावली याच्याकडून सदर चोरीस गेलेले वाहन जप्त केलेले आहे आणि आरोपीला आम्ही माननीय न्यायालयात हजर केले होते, परंतु न्यायालयाकडून त्याला जामिनावर मुक्तता झालेली आहे। इस मामले में पुलिस ने सुमित कौर नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया और उसे एक दोपहिया वाहन कीमत 20,000 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार की रिपोर्ट।